तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में 43 मंत्रियों के शपथ के बाद ही उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। मांडविया के पास केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय का भी प्रभार रहेगा। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी से लेकर पीयूष गोयल को सौंपा गया है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी रहेंगी। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दिया गया है। देश में 53 केंद्रीय मंत्रालय हैं। 53 मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री देखेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। पुरी शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। तो आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में 53 मंत्री हैं। आज जिस तरह से 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनके विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान अब नए शिक्षा मंत्री होंगे। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी मत्स्य विकास विभाग दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री साथ ही संस्कृति राज्य मंत्री भी बनाया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर युवा कल्याण खेल सूचना प्रसारण मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि आज 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद में उनके विभाग का भी बंटवारा कर दिया गया है।